हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आईएफएस। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम 100 डे चैलेंज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस हमारे सीरीज पे बेस्ड है। पहला सवाल स्क्रीन पे क्या है, लेट सीरीज माइनस वन रेस टू एन यू एन कन्वर्जेस बाय अल्टरनेटिंग टेस्ट, देन क्या यू एन इंक्रीजिंग होगा, क्या यू एन का लिमिट वन आएगा, क्या यू एन का लिमिट जीरो आएगा, क्या यू एन लेस देन यू एन प्लस वन होगा फॉर एवरी एन। सो व्हाट डू यू थिंक? तो देखिए, इसके पहले आपको अल्टरनेटिंग टेस्ट पता होना चाहिए। अल्टरनेटिंग टेस्ट फॉर सीरीज क्या कहता है? अगर हमारे पास सीरीज दिया है माइनस वन रेस टू एन यू एन, तो ये कन्वर्ज कब करेगी? सबसे पहली चीज़, यू एन का हमारे पास डिक्रीजिंग होना चाहिए। यू एन इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। दूसरी चीज, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन बनना चाहिए ज़ीरो। अगर ये दो कंडीशन है तो हम बोल सकते हैं हमारी सीरीज कन्वर्ज करेगी। सर नो, तो दिस इज हाउ वी कैन से सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो लिमिट यू एन ज़ीरो आना चाहिए, ये गलत है, ये भी गलत है। ये इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का डेफिनेशन है, तो ए बी और डी गलत होंगे, सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द सीरीज माइनस वन रेस टू एन प्लस वन वन बाई एन। तो इधर भी आप देखना, माइनस वन की पावर एन प्लस वन वन अपॉन एन, इसको कंपेयर करोगे तो यू एन आपके पास आएगा वन बाई एन। ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। दूसरा, लिमिट यू एन एन टेंस टू इन्फिनिटी जीरो आ रहा है कि यस, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। तो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट वी कैन कंफर्म दैट सीरीज इज कन्वर्जेंट। लेट्स गो अहेड टॉक अबाउट नेक्स्ट। सो इसमें भी आप देख सकते हो यू एन हमारे पास है एल एन ऑफ एन अपॉन में एन है। नाउ इज दिस सीरीज कन्वर्जेंट और नॉट? उसके लिए हमें देखना होगा लिमिट, पहली चीज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी यू एन कितना आता है, यह आएगा टेंस टू इन्फिनिटी एल एन ऑफ एन अपॉन में एन। डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, तो बेटर वे एल हॉस्पिटल यूज़ करिए। एल एन ऑफ एन का वन बाई एन डेरिवेटिव ऑफ एन इज़ वन, अप्लाई करिए एन टेंस टू इन्फिनिटी। सो दिस इज़ वन अपॉन इन्फिनिटी, दिस इज गोइंग टू बी ज़ीरो। तो यू एन का लिमिट तो ज़ीरो आ रहा है। दूसरी चीज़, यू एन हमारा डिक्रीजिंग है मोनोटोनिकली, डिक्रीजिंग। सो फ्रॉम वन एंड टू बाई लेबनीज टेस्ट ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक सीरीज दिया है जिसका कोएफिशिएंट देखिए वन अपॉन एन साइन वन अपॉन एन की पावर अल्फा, ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी ये बताना है। तो किस अल्फा के लिए करेगी वो भी चेक करना है। वन अपॉन एन साइन का एक्सपेंशन यूज़ करिए, साइन का एक्सपेंशन है वन अपॉन वन माइनस वन बाय एन क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल वन बाय एन रेस टू फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन ब्रैकेट कंप्लीट रेस टू अल्फा। ये वन बाय एन माइनस वन बाय एन कैंसिल होगा, माइनस मल्टीप्लाइड करेंगे तो आएगा थ्री फैक्टोरियल एन क्यूब, ये आएगा माइनस फाइव फैक्टोरियल एन रेस टू फाइव टू द पावर अल्फा। ठीक है, एन क्यूब थ्रू आउट बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, वन बाय थ्री फैक्टोरियल एन स्क्वायर पावर अल्फा। अभी ए एन जैसे आपके पास आ गया, हम क्या करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग सीक्वेंस लेंगे। अभी देखो ये अल्फा भी आएगा बिकॉज अल्फा पावर है, तो जब एन क्यूब बाहर आएगा अल्फा को लेकर आएगा। तो कंपेयरिंग सीक्वेंस लेते हैं, टेक हियर बी एन, बी एन अदर सीक्वेंस लाइक थ्री रेस टू अल्फा, इसको कंपेयर करेंगे ए एन के साथ। तो कंपेयरिंग का लिमिट फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ मैं, एन अपॉन बी एन क्या होगा, दिस इज वन अपॉन एन रेस टू थ्री अल्फा वन बाय थ्री फैक्टोरियल माइनस फाइव फैक्टोरियल एन स्क्वायर एंड सो ऑन टू द पावर अल्फा, डिवाइड में कौन है वन अपॉन थ्री रेस टू अल्फा, ये और ये कर दो कैंसिल। लिमिट देखने जाएंगे तो
आएगा 3 फैक्टोरियल की पावर अल्फा कांस्टेंट है, तो वाई कंपैरिजन टेस्ट हम बोल सकते हैं, कंपैरिजन टेस्ट आई कैन से सीरीज बी एन इज कन्वर्जेंट व्हेन, ये कन्वर्जेंट होगी व्हेन एवर 3 अल्फा ग्रेटर देन 1, दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन 1/3। तो सीरीज ए एन बी कन्वर्जेंट होगा तभी इफ अल्फा ग्रेटर देन 1/3, ये सही आना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा ग्रेटर देन 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट वी हैव एन प्लस 1 का रूट माइनस रूट एन अपॉन एन रेस्ट टू एक्स, ये कन्वर्ट कब करेगा ये जानना है। सीरीज रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन एन रेस्ट टू एक्स, ठीक है, तो कोएफिशिएंट अगर देखेंगे सीरीज एन प्लस 1 रूट एन एन रेस्ट टू एक्स, कंजुगेट लेंगे दोनों साइड, क्या आएगा न्यूमरेटर एन प्लस 1 माइनस एन 1 आएगा, ये एन रेस्ट टू एक्स तो ये क्या बनेगा हमारा, दिस इज लेस इक्वल एन रेस टू एक्स, अगर मैं ये हटा दूँ तो ये टर्म बड़ा होगा रूट एन विच इज एन रेस टू एक्स प्लस हाफ। सो ए एन हमारा क्या बी एन, अगर हम इसको बी एन मानते हैं तो नोट सीरीज एन रेस टू एक्स प्लस हाफ, ये कन्वर्जन कब होगी जब एक्स प्लस हाफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा, दैट इज एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हाफ होगा तब। तो सीरीज ए एन बी कन्वर्जेंट तभी होगी इफ एक्स ग्रेटर देन हाफ, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। ठीक है, इस तरीके से हम सवालों को बनाते हैं, होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस।